दोस्तों ये एक बायो सेंसर है जिसे मैंने अपनी बॉडी पर लगाया हुआ है। अब इस प्रकार के जो डिवाइसेस है मार्केट में अवेलेबल हैं, ये है अल्ट्रा ह्यूमन M1। ये बेसिकली एक बायो सेंसर है जो कि कंटिन्यूसली आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटरिंग करता है। मतलब ये कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो कितना है। ये देखिए कंटिन्यूसली मेरा ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर कर रहा है। अब देखिए मैंने भी और आपने भी अपना ब्लड शुगर टेस्टिंग किया होगा। बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट हैं, एक है रैंडम शुगर टेस्ट, दूसरा है फास्टिंग टेस्ट जिसे आप सुबह अपना ब्लड देते हैं, और तीसरा है पोस्ट लंच टेस्ट जिसमें 2 घंटे के बाद जो ब्लड है उसे टेस्ट किया जाता है। तो इन टेस्ट से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपका शुगर किस लेवल पर है, क्या आप नॉर्मल हैं, आप डायबिटिक हैं या फिर आप प्री डायबिटिक हैं। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे ब्लड शुगर टेस्टिंग डिवाइसेस मिल जाते हैं जिसमें आपको बेसिकली नीडल से आपका जो फिंगर है इसे प्रिक करना पड़ता है हर बार जब कभी आपको टेस्ट करना है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये कंटिन्यूसली आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करता है। तो मतलब कि बार बार प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आप इस प्रकार के डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको आपका जो हेल्थ है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ और ये जो प्रोडक्ट है ये किस प्रकार से काम करता है और इसे आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। तो ये है अल्ट्रा ह्यूमन का बॉक्स पैक और इसका प्राइसिंग है तकरीबन 4,999 रुपीज़। इसमें एक सेंसर दिया हुआ है। वैसे बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये कार्ड मिलने वाला है जिसमें ये QR कोड दिया हुआ है। इसे स्कैन करने के बाद आप जो एप्लीकेशन है उसे आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे जो पैक है इसे मैंने खोल दिया है, लेकिन इसमें जो एप्लीकेटर है प्लस जो सेंसर है इसे मैंने खोला नहीं है और ये मैं बाद में करने वाला हूँ क्योंकि 4 आवर्स का फास्टिंग होना ज़रूरी है बेटर रिजल्ट्स के लिए। और यहाँ पर ये देखिए M1 टूल किट है। यहाँ पर बेसिकली कुछ अल्कोहल वाइप्स है और ये कुछ स्टिकर्स है। अब ये जो पैच है जो सेंसर है उसके ऊपर लगा सकते हैं बाद में। तो अल्ट्रा ह्यूमन करके जो एप्लीकेशन है उसे मैंने मेरे स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से ये जो सेंसर है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हाउ टू पुट ऑन योर बायो सेंसर के बारे में जानकारी दिया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि जो सेंसर है इसे किस प्रकार से आपको लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से लगाना है। जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और जैसा कि मैंने कहा ये जो प्रोसेस है मैं आगे चल के करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो बेसिकली ये जो सेंसर है इसमें एक हॉलो नीडल है। ये देखिए ऐसा है ये नीडल और ये जो नीडल है ये फ्लेक्सिबल है। ये देखिए तो पहले ये जो सेंसर है इसका जो बॉक्स है इसे मैं पील ऑफ करता हूँ। ये देखिए और ये जो एप्लीकेटर है इसे आपको इस प्रकार से ट्विस्ट करना है और यहाँ पर ये मार्किंग मैच होना चाहिए और फिर आपको प्रेस करना है इस प्रकार से। और ये देखिए ये जो सेंसर है अब यहाँ पर आ गया है और ये जो छोटा सा पिन आप देख रहे हैं हॉलो नीडल कह सकते हैं ये स्किन के अंदर जाने वाला है, बहुत ही मामूली से जाने वाला है। तो इसे अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले तो अल्कोहल वाइप से जो एरिया है उसे मैं क्लीन करने वाला हूँ और फिर इसे अप्लाई करने वाला हूँ। अल्कोहल वाइप्स मैंने लगा दिया है और इसे ड्राई होने के बाद ये जो एप्लीकेटर है इसका उपयोग करके जो सेंसर है मैं अपने बॉडी पर अटैच करने वाला हूँ। ज़रा भी पेन नहीं हुआ। अब ये जो पैच है इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ये लीजिए अब ये तैयार है। अब ये जो बायो सेंसर ऑलरेडी ऑन का जो ऑप्शन है इसे मैं टैप करने वाला हूँ और यहाँ पर मुझे पैर बायो सेंसर का ऑप्शन मिल रहा है तो उस पर मैं टैप करता हूँ। और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो स्मार्टफोन है ये NFC सपोर्ट करना चाहिए। अब इसने जो सेंसर है इसे डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें सेंसर वार्मिंग अप का ऑप्शन आ रहा है तो तकरीबन 1 घंटे के बाद ये जो सेंसर है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो रीडिंग्स है वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिवाइस है इसे मैंने लगा दिया है। वैसे ये जो पोजीशन है ये सही नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ वॉकिंग तो उस दौरान ये थोड़ा सा टच होता है। वैसे इतना इरिटेटिंग नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर होता तो बेहतर होता, लेकिन फ़िलहाल ये जो सेंसर है ये काम कर रहा है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये जो सेंसर है इसमें एक बहुत ही टाइनी फ्लेक्सिबल हॉलो नीडल है जो कि मेरा जो स्किन है उसके अंदर चले गया है और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अभी भी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बायो सेंसर मेरे बॉडी पर लगा हुआ है। और इसके ऊपर ये जो पैच लगा हुआ है, ये बेसिकली जो सेंसर है वाइट कलर का, उसे एक तरह से एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा के रखिए। सबसे पहले तो ये जो डिवाइस है ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें छोटी सी बैटरी है, बटन सेल बैटरी। और ये जो डिवाइस है, बेसिकली जो सेंसर है, ये तकरीबन 14 डेज तक ही लास्ट करता है, मतलब कि मे बी उसका जो बैटरी लाइफ है वो उतना है। उसके बाद में आपको इसे निकालना है और दूसरा सेंसर लगाना है। अब एक बार आपने ये सेंसर लगा दिया, इसके बाद में आप इसे निकाल नहीं सकते हैं, मतलब कि जब एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये जो सेंसर है इसे आपको रिप्लेस करना है, तभी आपको जो सेंसर है इसे निकालना है। अगर आपने इसे निकाल दिया तो ये इनवैलिड हो जाता है, आप इसे फिर से यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये जो अल्ट्रा ह्यूमन M1 बायो सेंसर जो है, ये बेसिकली NFC के साथ में काम करता है, मतलब कि आपका जो स्मार्टफोन है इसमें NFC होना चाहिए। और जब कभी आपको इसका रीडिंग लेना है तो मैं जो एप्लीकेशन है उसे लोड कर सकता हूँ, अल्ट्रा ह्यूमन करके एप्लीकेशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और जो सेंसर का बटन है उसे प्रेस करना है और इस प्रकार से यहाँ पर इसे लेके आना है। दो वाइब्रेशंस आपको मिलने वाला है, उसके बाद में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उस टाइम पर वो आपको दिख जाएगा। जब आप इस सेंसर को पहली बार एक्टिवेट करते हैं तो तकरीबन एक घंटे के बाद ये काम करना शुरू करता है। वो जो प्रोसेस है उसे कैलिब्रेशन प्रोसेस कहा गया है। और जो पहला 24 आवर्स है उसमें हो सकता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिले। मुझे तो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहा था क्योंकि मेरा सेकेंड डे शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो रीडिंग है काफ़ी हद तक सेम है जैसे कि फर्स्ट डे पे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कुछ खाया था उसके बाद में मेरा जो ब्लड शुगर लेवल्स है ये किस प्रकार से इंक्रीज़ हुआ है और फिर आके फिर से नॉर्मल रेंज में आ गया है। तो ये जो इनसाइट्स है ये फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर आप अपना जो लाइफस्टाइल है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में इस प्रकार के और भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनमें आपको स्मार्टफोन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ में मतलब कि वो जो डिवाइसेस हैं उनके साथ में आपको एक अलग से डिवाइस खरीदना पड़ता है जो कि बेसिकली वही सेम फंक्शन करता है जो कि आपका स्मार्टफोन करेगा अगर स्मार्टफोन में NFC है तो। ये सिस्टम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा स्मार्टफोन वाला विद NFC, क्योंकि एप्लीकेशन के ज़रिए आपको ज़्यादा इनसाइट्स मिलता है। इस डिवाइस की बेस्ट चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो मॉनिटरिंग हो रहा है और कभी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो M1 चिपसेट है बायो सेंसर, इसके अंदर ही बैटरी है और जो डेटा है वो इसके अंदर ही स्टोर होता है। इनफैक्ट जो डेटा है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 8 आवर्स, मतलब कि हर 8 आवर्स में आपको आपका जो स्मार्टफोन है उससे आपको इसे NFC के ज़रिए स्कैन करना है ताकि जो डेटा है यहाँ पर वो फ़ोन पर आ जाए। इनकेस अगर आपने एक सेशन मिस कर दिया तो वो जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि हर 8 घंटे के पहले आपको इसे स्कैन करना है, नहीं तो जो प्रीवियस डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। कह सकते हैं कि एक तरह से इसका जो स्पेस है वो फुल हो जाता है। ये जो ब्लड शुगर लेवल्स है अगर आपने इसे किसी तरीके से मैनेज कर लिया तो आपका जो वेट है ये भी ऑटोमेटिकली सही लाइन पर आ जाएगा। इसके अलावा जब कभी आप कोई फूड खाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो किस प्रकार से राइज़ होता है, एक स्पाइक हो रहा है या फिर ग्रेजुअली राइज़ हो रहा है, और जो ड्रॉप है ब्लड शुगर लेवल्स का वो एक तरह से फॉल हो रहा है या फिर ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। तो ये जो पैरामीटर्स है इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो फूड आप खा रहे हैं जिससे जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहा है वो कितना हेल्दी है और आपका जो बॉडी है वो उस फूड को किस प्रकार से प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति होता है उसका जो प्रोसेसिंग है वो अलग प्रकार का होता है। तो उस हिसाब से भी ये जो डिवाइस है बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आप जान पाएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट फूड क्या है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। जो फूड आप खाते हैं कुछ ही मिनट्स के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो किस प्रकार से राइज हो रहा है, और इस प्रकार से आप आगे चल के आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस कर पाएंगे। वैसे डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करें, ये खाएं वो खाएं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और किस टाइम पर आपका ब्लड शुगर राइज होता है, किस टाइम पर वो नॉर्मलाइज हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब ये जो डिवाइस है ये इतना सस्ता नहीं है, इसका प्राइसिंग, ये जो सेंसर है बेसिकली इसका प्राइसिंग है 4,999 रुपीज़। और ये जो सेंसर है ये सिर्फ 2 हफ्ते 14 डेज तक ही चलता है, उसके बाद में आपको इसे निकालना है, रिप्लेस करना है, इसे आप रीयूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अल्ट्रा ह्यूमन वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको वन टाइम इसे ख़रीदना है जैसे कि मैंने ख़रीदा हुआ है 1 टाइम, और 14 डेज़ के बाद अगर मैं चाहूँ तो हो सकता है कि शायद मैं इसे फिर से एक बार ख़रीदूँ। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है, मतलब कि अगर आपको इस प्रकार के डिवाइसेस को लॉन्ग रन में यूज़ करना है तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसके लिए जा सकते हैं। डिटेल्स आपको ये जो अल्ट्रा ह्यूमन का साइट है उसमें मिल जाएगा,
जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं इसे सिर्फ 14 डेज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि कौन से फूड मेरे बॉडी के लिए अच्छे हैं, प्लस जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसे मैं किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इनकेस अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना चाहते हैं, मे बी आप इसे 14 डेज़ यूज़ करें, उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद फिर से या फिर 6 मंथ्स के बाद फिर से इसे ट्राई करें ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद आपने जो भी चेंजेस किया हुआ है उसे फिर से चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों, ये डिवाइस आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।